संघवी मूवर्स लिमिटेड, जिसको मैंने पहले भी जेम्स में कवर किया हुआ है और अच्छा खासा टारगेट अचीव भी हुआ हुआ है पहले भी, और 1250 1300 के लेवल्स के लिए संघवी मूवर्स गजब की कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है जो सेगमेंट में कंपनी है वो सेगमेंट बड़ा हॉट हो रखा है, और कंपनी की मैं वेबसाइट पे देख रहा था और कंपनी जो अपने बारे में बता रही है वो सारी चीजें मैं एक बार बताता हूँ। लार्जेस्ट क्रेन रेंटल कंपनी है ये इंडिया और एशिया के अंदर, और वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट एज रैंक्ड बाय इंटरनेशनल क्रेन्स। तो ये कंपनी का बैकग्राउंड है, अच्छा खासा कंपनी मतलब पुरानी कंपनी है, 1989 से कार्यरत है और 1994 में आईपीओ आया था कंपनी का, और तब से कंपनी बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से आज फोर फिगर्स में है। तो 1250 1300 का टारगेट तो मुझे लगता है कि बहुत इजीली अचीव होगा इस स्टॉक का, और वैसे हाई स्टॉक ने 1500 बनाए हुए हैं और अच्छा खासा इनका पूरा पैन इंडिया नेटवर्क है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, पेडिग्री है कंपनी की। अच्छा खासा इन्होंने ONGC ऑयल इंडिया ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम स्टार्ट किया था और आज बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा है इनका, इनफैक्ट 40 से 45% के लगभग का मार्केट शेयर है। ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया, वहाँ भी कोई इश्यू नहीं है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़िया और क्लाइंटीज भी बहुत स्ट्रांग, जैसा कि मैंने ONGC ऑयल इंडिया JSW स्टील दिलीप ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये सारे, और कैपेक्स भी कंपनी करती जा रही है। और कुछ इन्होंने अभी जो एक्सपेंशन किया है उसका भी कंपनी को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मैं अभी क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह भी देख रहा था तो स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स है कंपनी की। सो फंडामेंटल्स तो बहुत बढ़िया है, ये बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, और अब देखिए पी मल्टीपल्स भी महंगा नहीं लगता, मतलब 24 के पी मल्टीपल पे स्टॉक मुझे सस्ता ही लगता है ऐसा, क्योंकि ग्रोथ देने वाली कंपनियां नहीं मिलती है इस लेवल पे। 23-24 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, अगेन प्रॉफिट की कैगर सुपर, मतलब 90% की प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की रही है, सेल्स की कैगर 41% की रही है, और डेट्स भी बहुत ज्यादा नहीं है। आज 4,500 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ 292 करोड़ का डेट है, सो दैट इज अगेन वेरी इंप्रेसिव। एंड पियोत्रोस की स्कोर जो मैं बहुत देखता हूँ 9 के सामने 8 है, सो 9 इज द मैक्सिमम। सो ओवरऑल एक फैंटेस्टिक कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेंटल्स वाली कंपनी है तो लाजमी है ज्यादा हो गई, 56% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन मार्च 2024 में दी है, 619 करोड़ का टॉप लाइन। ये रेंटल्स का टॉप लाइन है इसलिए टॉप लाइन सुनने में छोटा लगता है बट ये बहुत बड़ी चीज है, और इसलिए बॉटम लाइन भी गजब का है, 188 करोड़, यानी कि 200 करोड़ के लगभग कंपनी सालाना कमा रही है, और प्रोमोटर्स की बैकग्राउंड तो है ही अच्छी, और स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग के बाद DISFIs में भी अच्छे नाम है जो कि अभी रिसेंटली शेयर होल्डिंग को बढ़ाए हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है। सो ओवरऑल एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी, अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी, अच्छा बैकग्राउंड और बड़ा इनफैक्ट बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठने वाली कंपनी, और प्लस इस सेक्टर के ऊपर जबरदस्त पुश है, मतलब सरकार भी जो इंफ्रा के ऊपर जो भी कैपिटल गुड्स वाले सेक्टर्स बढ़िया कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्टेड भी है, तो 1500 के टारगेट्स भी आने वाले दिनों में दिखेंगे अचीव होते हुए, बट एक बार अभी 1250 1300 का टारगेट।